अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं यह खान, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फैसलाबाद में पाक 99 न्यूज़ चैनल ने अपने ऑफिस का स्टूडियो का आगाज कर दिया है और उसके लिए मैं मशहूर हूँ जनाब वसीम आशमी साहब का, जो कि जेल पर्सन हैं, और अब्दुल हमीद बख्शी साहब जो कि वाइस जेल है, जनाब अलियास कुरैशी साहब जो कि सी, और सजावल जमाली साहब जो कि चेयरमैन हैं पाक 99 चैनल के। मैं मशहूर हूँ इन तमाम सीनियर जर्नलिस्ट का जिन्होंने मुझे बतौर एंकर यहाँ पे मेरी खिदमात को हायर किया है, और मैं इंशाल्लाह आपको नित नई खबरें, हर लम्हा बदलती हुई न्यूज़ और मौसमी सियासत जो कि इंतहाई गर्मी के मौसम में अपने अरूज पे दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का और सियासतदानों का आपस में मेल ताल जुड़ चुका है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल अपने वर्कर्स को दे दी है, और हुकूमत जो है वो इस वक्त इस कोशिश में है कि लॉन्ग मार्च को कैसे महदूद या कम किया जाए या इसका रास्ता रोका जाए। और दूसरी तरफ गर्मी बड़ी शिद्दत से है, सियासी गर्मी जिसको कहते हैं, वो इंतहाई अरूज में दिखाई देती है। इमरान खान ने अपने वर्कर्स को बेतहाशा इमोशनल किया हुआ है और वो मुकम्मल जज्बे के साथ इस्लामाबाद की तरफ तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको हम इस मूवमेंट का, इस लॉन्ग मार्च का लम्हा ब लम्हा हर डिस्ट्रिक्ट से इतला आपको देते रहेंगे, आपको आगाही रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान।